Finally, after a break, One Piece chapter 1070 is here and I am also here to talk some shit about it. Chapter ठीक लग लगा मुझे, पूरा राय देता है मैं अपना. After this intro, let's begin. First of all, let's talk about Luffy versus Lucci. It was good. लूफी इस चैप्टर में भी एज एक्सपेक्टेड लुच्ची को कूटते हुए दिखा है. लुच्ची जब बेहोश होने वाला था, आई वॉज लाइक भाई यही तो देखना था, बट फाक फिर से ये चुत्तड़ बच गया. व्हाट इज़ दिस भाई, लाइक भाई बंदा गियर 5 से पिटने के बाद भी ऐसे चौड़ से खड़ा हो जा रहा है भाई. अवेकनिंग इतनी एपिक होती है क्या भाई जुआन की? आई वंडर काइडो अगर अवेकनिंग कर देता तो क्या होता भाई फिर. लूफी डेड शायद, पता नहीं, व्हाटएवर. इनका कोई बहुत ज़्यादा भी कलेश नहीं दिखा अपने को. लूफी ने तो वेगापंक को लेके निकलना है बोल के लुच्ची को फिनिश ही नहीं किया. स्टिल लूफी के इतने पीटने के बाद भी लुच्ची ऐसे चौड़ से खड़ा हो गया, आई डिडेंट लाइक इट. बाय द वे आई लाइक लूफीज की जारू फॉर्म, लमाओ फिर से दिख गया चुसा हुआ लूफी का फॉर्म. कुपोषित की जरूर जैसा लग रहा है भाई लूफी. गियर 5 का साइड इफेक्ट है ये ऑब्वियसली, बट इट विल टेक जस्ट अ फ्यू सेकंड्स फॉर लूफी टू रिकवर अगेन, विच इज़ वाई दिस इज़ नॉट दैट मच ऑफ अ बिग डील. एंड इस पैनल में हम देख भी सकते हैं कि लूफी तुरंत रिकवर भी कर गया है. संतो मारू अपेरेंटली ही इज़ ओके, नॉट ओके बट अलाइव. ही सेव्ड हिमसेल्फ बाई यूजिंग रियो, विच इज़ वियर्ड. आई मीन तुमने लास्ट चैप्टर में देखा था क्या इसको कुछ करते हुए? हाँ, सेंतोमारू का कितना लैंडी रोल रहा है भाई अभी तक इस आर्क में, बस सेराफिम को सीपी के कंट्रोल में देने आया है. अरे हाँ, लास्ट वीडियो में मैंने ये बोला था कि वेगापंक भी तो है ना आइलैंड में, तो वो क्यों सेराफिम को कंट्रोल नहीं कर रहा? क्योंकि इसको भागना है इधर से. सेराफिम को कंट्रोल करते हुए भागेगा तो ज़्यादा ईजी नहीं होगा क्या? पता नहीं. सेंतोमारू बेहोश हो चुका है फॉर श्योर, क्योंकि लास्ट में CP0 लोग सेराफिम को कंट्रोल करते हुए दिखे अपने को, विच मीन्स सेंतोमारू का कंट्रोल हट चुका है उन पे से. सेराफिम दे आर बीइंग कंट्रोल्ड बाई CP0 नाउ. वैसे इस चैप्टर में इनसे रिलेटेड चीज़ें पता चली है हमें, जैसे कि दे कैन टॉक, ये एंड दे हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज. हानकोक सेराफिम लमाओ फ्लस्टर्ड फील कर रही थी आफ्टर जिम्बे थैंक्ड हिम. रियल हानकोक जैसे लूफी के अराउंड बिहेव करती है वैसे बिहेव किया उसने, विच माइट मीन कि वारलॉर्ड जैसे पर्सनैलिटी ही कैरी करते हैं सेराफिम. मिहॉक वाला सेराफिम भी चुपचाप रहता है ज़्यादा, जस्ट लाइक रियल मिहॉक. सेम गोज फॉर कुमा. आई एम इंटरेस्टेड इन डॉफी सेराफिम, पता है बहुत ज़्यादा, लाइक हाँ भाई वो बंदा हरामखोर होगा फॉर श्योर. एंड हाँ, सेराफिम के अंदर हरा खून दौड़ता है, विद द हेल्प ऑफ विच वो पैरामिसा फ्रूट के एबिलिटी को यूज़ कर सकते हैं. आई थिंक ये ब्लड ही सेराफिम का वीकनेस भी है. अगर ये ब्लड पूरा उनके बॉडी से निकल गया, देन आई गेस सेराफिम अपने फ्रूट को यूज़ नहीं कर पाएंगे एंड मर भी जाएंगे शायद. वेगापंक द गाय गेव अस सम क्रूशियल इन्फॉर्मेशन. अकॉर्डिंग टू हिम जोआन फ्रूट्स को कॉपी करना सबसे ज़्यादा ईजी है, एंड ही कैन इवन कॉपी मिथिकल जोआन फ्रूट्स. ऑब्वियसली आई मीन उसने काइडो के फ्रूट को कॉपी किया था भाई, बट क्या वो फ्रूट अवेकन हो सकते हैं? ही डजंट नो. आर्टिफिशियल फ्रूट्स का अवेकन होना काफ़ी अजीब होगा ना? वेल आर्टिफिशियल फ्रूट्स खुद ही अजीब है, बट वेगापंक कैन पुल इट ऑफ. पैरामिसिया फ्रूट्स को वेगापंक कॉपी नहीं कर सकता, बट विद द हेल्प ऑफ लीनियस फैक्टर ऑफ एनी पैरामिसिया फ्रूट यूजर ही कैन मेक ग्रीन ब्लड, यूजिंग विच सेराफिम जैसे या फिर शायद रियल ह्यूमन भी उस पैरामिसिया एबिलिटी को यूज़ कर सकते हैं. मतलब वेगापंक पैरामिसिया फ्रूट नहीं बना सकता, बट टेक्निकली वो उस फ्रूट के एबिलिटी का कॉपी बना सकता है. जीनियस फॉर अ रीज़न, विच मीन्स कि डोफ्लेमिंगो का सेराफिम जब भी हमें दिखेगा वो इतो इतो नोमी के पावर्स यूज़ करते हुए ही दिखेगा. इधर पर वैसे फ्रैंकी का सेनोर पिंक के डेथ के लिए कंसर्न होना, आई लाइक डिट. एंड एट लास्ट लोगिया फ्रूट, तो वेगापंक कैन नॉट मेक आर्टिफिशियल लोगिया फ्रूट्स. आई थिंक ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगिया फ्रूट्स लिटरली यूज़र को नेचर नेचुरल चीज़ों में ट्रांसफॉर्म होने का एबिलिटी देते हैं, नेचर से काफ़ी कनेक्टेड होते हैं वो. बाय द वे आई हैव अ क्वेश्चन, क्या ग्रीन ब्लड के यूज़ करने के बाद यूज़र पानी में डूबेगा? आई थिंक नहीं. एंड इंसानों को दे सकते हैं क्या ये हरा खून? शायद हाँ शायद नहीं, पता नहीं. दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग इज़न्ट इट, अगर ह्यूमंस को एक्चुअली में वन पीस वर्ल्ड में हरा खून देके विदाउट फ्रूट पैरामिसिया एबिलिटी दिया जा सकता है, देन दैट मीन्स शायद वो बिना स्विम करने की एबिलिटी को लूज़ किए भी डेविल फ्रूट के पावर्स यूज़ कर पाएंगे. नाइस. इसके अलावा चैप्टर में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हुआ है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कीज़ारू का अराइवल. यस, फाइनली कीज़ारू इज़ हियर इन एग हेड. वेल एक्चुअली ही इज़ जस्ट अ बिट फार फ्रॉम एग हेड, एंड जिस वे में उसने लास्ट में बोला कि स्ट्रॉ हैट को दिक्कत होगा इधर से निकलने में,
डज दैट मीन कि ज़रू खुद लूफी लोगों को रोकने की सोच रहे हैं या फिर वो कुछ नेगोशिएट करने वाला है? बट स्ट्रॉ हैट्स उससे नेगोशिएट करेंगे क्यों, राइट? कि ज़रू अब आ गया है तो आई होप हमें उसका ट्रू स्ट्रेंथ देखने मिले एंड रियो कोगियो वाला हरकत ना हो उसके साथ भी, काफ़ी डिसअपॉइंटिंग होगा फिर। एंड किज़रू ने जो प्लान का बात किया है, आई होप इट्स समथिंग गुड। आई मीन अगर अच्छा प्लान नहीं होता तो आई डोंट थिंक किज़रू स्ट्रॉ हैट्स को चैलेंज करने की सोचता। ही इज़ नॉट दैट स्टूपिड कि अकेले भिड़ जाए वो एक योंको क्रू से, राइट? वेल ऑन द सेकेंड थॉट ही इज स्टूपिड भाई, बिग मोम काइडो से लड़ने जाऊँगा बोला था दूर, तो आई डोंट नो मैन किज़रू है ये क्या करने वाला है अब, नो वन कैन गेस, बट जो भी करेगा आई होप वो अच्छा होगा। नेक्स्ट वीक ब्रेक है शायद, ये चैप्टर मुझे ठीक ठाक ही लगा। लूफी का बाय द वे चश्मा पहन के लुच्ची को मारने वाला मोमेंट अच्छा था। सेराफिम को वेगापंग ने मोस्ट पावरफुल बींग्स इन द हिस्ट्री ऑफ सी बोला है। वॉज ही एक्चुअली टॉकिंग अबाउट सेराफिम और वॉज ही इनडायरेक्टली रिफरिंग टू द लूनेरियंस? आई वॉन्ट टू नो। पॉनी भी उठ चुकी है, आई वंडर सांजी उस लोग कब इधर से निकलेंगे, उनको और सैटेलाइट को छोड़ के निकल गए ना वेगापंक और लूफी लोग, कि जरूर फाइनल आके क्या करेगा आई वंडर। वैसे एगहेड में घुसने से पहले ही कैन एनकाउंटर ब्रूक एंड जोरो जो सनी में ही है अभी भी। जोरो वर्सेस की जरूर हो सकता है, मे बी, आई होप कि जरूर इस बार भी जीत जाए भाई। डोंट टेल मी जोरो की जरूर से स्ट्रॉन्ग हो गया भाई, आई एम नॉट रेडी फॉर दैट। CP0 भी कुछ कलेश करने वाले हैं फॉर श्योर एंड दैट्स इट, बस इतना ही बात करना था। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेगी तो बाय बाय।